So good afternoon all of you. Myself Atul Thakur. I am a faculty in Operation Theatre Technology. So today we will discuss about the procedure of intubation. So one of my students demonstrate the procedure of intubation. Good afternoon. So let's start the procedure of intubation. First of all, intubation mein before intubation ke hum check karte hain usme apni tray mein hum check karte hain IPHI tube, laryngoscope, suction catheter, lignocoil 2%, micropore and 10 ml syringe. ये check करने के बाद अब हमारा patient आ चुका है operation theatre room में. तो हम सबसे पहले उसे comfortable जो position होती है हम वो देंगे, जो supine position हम उसे रखेंगे. उसके बाद हमारा patient जो है उसकी सबसे first of all पहले करते हैं monitoring इसलिए जरूरी होती है क्योंकि कोई भी mishappening ना हो during surgery. ये करने के बाद हमारा जो सब first step होता है वो होता है propofol. हम एक माइल्ड स्लीपी जो पेशेंट को देता है उसके बाद हम पेशेंट को 3 मिनट तक प्री ऑक्सीजनेट करते हैं. प्री ऑक्सीजनेट करने के लिए हमें फेस मास्क की जरूरत होती है. हमें 3 मिनट तक इसे प्री ऑक्सीजनेट कर लिया. प्री ऑक्सीजनेट करने के बाद ये 3 मिनट के लिए रहेगा. 3 मिनट के बाद हमें इसे निकालना है. निकालने के बाद हमें देना है स्कॉलिम जो कि एक मसल जैसा है जो कि हमारे जो इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल को रिलैक्स करता है. रिलैक्स करने के बाद हम अपने जो असिस्टेंट होंगे उनसे कहेंगे कि लैरिंगोस्कोप प्लीज गिव मी हैंड. लैरिंगोस्कोप विद ब्लेड ये 3 नंबर साइज होता है मैकिंटोस. ये एडल्ट साइज होता है ठीक. उसके बाद हम इसे यू इंसर्ट करते हैं और इसका जो पकड़ने का वे होता है वो हमें असिस्टेंट इस वे से देखो और हमें इस वे से डाल दें. तो इसे डालते हैं हमें ये देखना होता है कि जो हमारी एपिग्लॉटिस की ओपनिंग होती है एपिग्लॉटिस जो वॉकल कॉर्ड होती है उसकी ओपनिंग के लिए हमें जो टंग होती है टंग को डिप्रेस करना होता है वन साइड यानी लेफ्ट साइड और जो इसका हैंडल होता है हैंडल को हमें लेफ्ट जो फुट होता है हमारा उसकी वे में देखना होता है ताकि एक साइड को हमारा टंग डिप्रेस हो. उसके बाद हम अपने असिस्टेंट से कहेंगे जो एटीट्यूब का वे होता है वो इस तरीके से पकड़ाई जाती है ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे. उसके बाद हम ये देखने के बाद इसे इस तरह से इंसर्ट करेंगे. करने के बाद हम इसे धीरे धीरे ताकि एकदम ये कोई डिसबैलेंस जो गाइड कर रहा है वो एकदम कोई मिसहैपनिंग ना हो. तो डालने के बाद हमें ऐसी कनेक्ट करना होता है या हमारे असिस्टेंट कर देंगे या ये कनेक्ट कर दिया. कनेक्ट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इसे चेक करना स्टेटोस्कोप से जो हमारे सर्जन होंगे या असिस्टेंट भी कर सकता है. तो हमें लेफ्ट और राइट लेग की जो वॉल्यूम होती है जो एक मैनेज करके जा रही है वो वॉल्यूम देखनी है. ब्रीदिंग की साउंड आती है उससे सुनना होता है ठीक. उसके बाद चेक करने के बाद हमें इसे पहले माइक्रोपोर से टाई करना होता है. माइक्रोपोर हमारा इस वे से होता है इसे हमें अपने जो ईयर होती है ईयर के साइज से ऐसे ये कोर करके एक साइड टाई कर देना है. टाई करने के बाद ये टाई हो गया. टाई करने के बाद हमें इसे इन्फ्लेट करना है जो हमारा सिलेंडर में 10 एमएल की सिरिंज से या हम कर देंगे हमारा डिस्टेंस से. और ये राइट को टाइट होती है लेफ्ट को ओपन होती है. तो टाई करने के बाद 10 एमएल हमें इसमें इन्फ्लेट करते हैं. इन्फ्लेट करने के बाद ये हमारे अगर इन केस ऑफ अगर इसमें कोई सिक्रीशन हो रही है तो हमें कैथेटर का यूज कर सकते हैं. कैथेटर यूज करने के बाद इसे राउंडेड घुमाना होता है जिससे कि सक्शन प्रॉपर हो और कोई ठीक. उसके बाद हमें इसे हटाने के बाद अपनी जो भी प्रेशर होता है और उसके बाद अगर हमें इसका इफेक्ट जैसे स्टॉलिंग का इफेक्ट कम होता है तो उसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए हम वैक्रोनियम एक्ट्रोनियम जो लॉन्ग एक्टिंग मसल सिलेक्शन होती है उसे देते हैं. और ये हमारा जो स्टेप होता है वो कंप्लीट हो जाता है.